महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि ग्राम जरहारा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी श्रद्धालु आकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। जहां तक आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राधे रमन के नृत्य में इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कई किसान नेता भी मौजूद वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता दिनेश कुमार वर्मा वहाँ से लाइव हो रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं उन्हीं से, समझते हैं पूरा मामला। जी दिनेश कुमार वर्मा जी, बताइए आप कहाँ से लाइव जुड़ रहे हैं? हम अशोक जी को बताना चाहते हैं, इस वक्त मैं बारह भारतीय जनपद के ग्राम चरहरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहा है। इसके मुख्य अतिथि किसानों के लोकप्रिय नेता आशु चौधरी उधर बधाई दी है, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी जिला अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा और अपने रवि वर्मा अपने सभी कार्यकर्ताओं को हजारों की संख्या में उनका जो है स्वागत समाज समारोह किया, स्वागत किया है। स्वागत के बाद अब जहाँ पर जो है भंडारा कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, वहाँ पर यहाँ पर जो हजारों कार्यकर्ता पर मौजूद है, अलग अलग किस तरीके पर भीड़ बनी हुई है। वर्मा जिला अध्यक्ष उन्होंने जो है स्वागत किया है, करीब सैकड़ों वाहन के साथ आशु चौधरी बाराबंकी दल में प्रसाद किए हैं। मैं बात चाह कर चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ किस किस तरीके से सभी कार्यकर्ता के लोग मौजूद है, भंडारे का आयोजन चल रहा है। ग्रामीण है, मैं आपको जो है किसान नेता जो यहाँ पर आए हैं मैं उससे बात कराता हूँ, क्या मकसद है, किस तरह के साथ चल रहा है यहाँ पर। हमारे आशु चौधरी भी आए हैं, हम आपको बात कराना चाहते हैं। आज जो है आप लोग यहाँ पर आए हैं, भंडारे का आयोजन चल रहा है, इसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पर जो है त्योहार चला, त्योहार के साथ साथ किसान अपनी बात भी करेगा, जो किसान आंदोलन चला दिल्ली में, उसके बारे में क्या कहना है? अपनी जगह आंदोलन अपनी जगह और जो है हमारे लखनऊ स्तर के भी नेता भी आए हैं, योगेश प्रताप सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, उनसे बात कहना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आए यहाँ पर मुख्य अतिथि है, यहाँ पर अपने भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो हम नेताओं से बात कर चुके हैं, अब आपका जो है किससे बात कर रहा है आपको? अभी भीड़ है, हजारों की संख्या में लगी हुई है और यहाँ पर जो है शिवभक्त लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर जो है कथाओं का अभियान कर रहे हैं, उनके जो है भगवान शंकर की लीलाओं का भी आनंद ले रहे हैं। आज सबसे माना ज्यादा सड़क माना जाता है, तो जी ये बताइए वहाँ पर भीड़ से काफी देखने को मिल रही होगी? हाँ, भीड़ तो काफी है, बहुत है, जो आशा का प्रतीक है और महाशिवरात्रि का पौर अवसर पर रहा है, इसे भीड़ तो है। आप कैमरा मैन से कैसे दिखा सकते हो, कुछ जरूरी बता सकते हो? हाँ, आप कैमरा से दिखाए भीड़, किस तरह भीड़ है, मंदिर के भीतर से जाते हैं, भीड़ दिखा किस जगह पर जो है भक्त भीड़ रहती है, हम मंदिर के भीतर से जाते हैं, जो पशु भक्त लोग है पूजा अर्चना करते हैं, ये मंदिर है और उस तरह दिखा जाते हैं किसी तरीके से माताएं पहले भगवान शंकर के गुणगान कर रही यहाँ पर पधारे हैं। ग्राम जरहारा में हमारे जिलाध्यक्ष राधे रमन द्वारा जो है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारा हर साल कराया जाता है, इसी के पावन अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, बुलाया था, तो वो भी ग्राम जरहारा में भोलेनाथ के मंदिर में माता टेकने में आए हुए हैं। और अच्छा, आए हुए श्रद्धालुओं को, शिवभक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसे पावन पर्व पर शिवरात्रि के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप जो है इस संगठन के किस पद पर है, आपका शुभ नाम क्या है? मैं इस भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन का अयोध्या मंडल का महामंत्री हूँ, मेरा नाम खालिद खान। धन्यवाद।